हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में शहीद उद्यान वाल अनार कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भिलाई। एक नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। 7 एकड़ में फैला शहीद उद्यान वाल ऑफ अनार बताएगा 20 साल के शहीदों का नाम। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस से लेकर अब तक देश की सरहद और नक्सली मोर्चे पर शहीद होने वाले प्रदेश के जवानों का नाम आपको भिलाई सेक्टर 5 में पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ उनकी शहादत और कथा का वर्णन किया जाएगा। 7 एकड़ क्षेत्र में 7 करोड़ की लागत से शहीद उद्यान में वाल ऑफ अनर बनाया जा रहा है जिस पर शहीदों के नाम उकेरा जा रहा है। आगामी 26 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस पार्क को निजामों के शहर हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क की दर्जा पर बनाया जा रहा है। भिलाई के सेक्टर 5 में शहीद भगत सिंह के नाम पर छत्तीसगढ़ का पहला सर्व सुविधा युक्त उद्यान बनाया जा रहा है। इस उद्यान में 36 प्रकार के फूल पौधे लगाए जा रहे हैं जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। भगत सिंह के नाम पर कहाँ बनाया जा रहा है? तो भिलाई किस जिले से संबंधित है? तो दुर्ग जिले से संबंधित है। अब दुर्ग की बात आई है तो दुर्ग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दुर्ग की स्थापना 1906 में किया गया है। दुर्ग किस नदी के किनारे बसा है? तो दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो हमारी शिवनाथ नदी है। कितने किलोमीटर बहती है? तो 290 किलोमीटर बहती है। प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला है तो अपना दुर्ग जिला है। यहाँ पुरुषों की भी साक्षरता और महिलाओं की भी साक्षरता अधिक है। स्वर्गीय हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग नागपुरा जैन तीर्थकर 23वें पावर्षनाथ की मंदिर यहाँ पर उपस्थित है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जिला 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। भिलाई को स्टील सिटी की ज्ञान की राजधानी छत्तीसगढ़ का आर्थिक राजधानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। 1965 ACC सीमेंट प्रदेश का पहला सीमेंट फैक्ट्री जामुन दुर्ग में स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र या केंद्र बोराई दुर्ग CSIDC का औद्योगिक प्रांतीय कार्यालय दुर्ग में स्थित है। प्रमुख खनिज चूना पत्थर नंदनी खुंदनी से प्राप्त किया जाता है। वासुदेव चंद्रकार कामधेनु विश्वविद्यालय प्रथम पशु चिकित्सक एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा
दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है तो अंजोरा दुर्ग में स्थित है। भिलाई में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, मैत्री गार्डन है। रूस भारत का मित्रता का प्रतीक है। धर्माजी मुनर्जी फर्टिलाइजेशन कंपनी कुम्हारी दुर्ग में स्थित है। वन क्षेत्र प्रतिशत प्रदेश में सबसे कम है तो दुर्ग जिला में है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रायपुर रेल मंडल में कितने मिलियन टन माल लदान कर हासिल उपलब्धि की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मिलियन टन। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर रेल मंडल 23 मिलियन टन माल लदान कर हासिल की उपलब्धि। रायपुर रेल मंडल को रेल मंडल ने पिछले वर्ष के लदान संबंधी प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष 30 नवंबर 2020 तक 23 मिलियन टन माल लदान कर उपलब्धि हासिल की है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में की गई लोडिंग से कहीं ज़्यादा है। इस उपलब्धि का महत्व इस बात से और स्पष्ट हो जाता है कि अप्रैल और मई 2020 में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 मिलियन टन लदान पीछे हो गए थे। इसके बाद भी विपरीत परिस्थितियों में बेहतर संपर्क नीतियों को ग्राहक उन्मुख बनाते हुए तथा ग्राहकों को सीधे संपर्क के माध्यम से रायपुर मंडल नए अवसर बनाने में सफल रहा है। नए अवसरों के परिणाम स्वरूप सितंबर अक्टूबर तथा नवंबर में माल लदान के महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। तो हमारे रायपुर रेल मंडल ने 23 मिलियन टन लदान कर बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। अब रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861, मुख्यालय रायपुर। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है तो रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर 1862 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र। ट्राईपोर्ट सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र, ये कहाँ है तो रायपुर जिले में स्थित है। विकास केंद्र साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपर्ट जोन, ये सब कहाँ है तो रायपुर में है। भानपुरी में अप्रैल पार्क, रोभाठा में मेटल पार्क, दो पार्क। तिलदा राइस कॉम्प्लेक्स, पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें कहाँ हैं तो तिलदा में स्थित है। अटल नगर नया रायपुर कुबेरभाटा और राखी गांव में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक बनाया गया है। आईटी पार्क आईआईटी स्थित जंगल सफारी मड़वा ग्राम में स्थित है। परसदा वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किसके द्वारा बनाया गया है तो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान की यहाँ बात करें
NIT नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रायपुर, पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर, ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स, एम्स कहाँ है तो रायपुर में, भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM रायपुर, मैट्स विश्वविद्यालय गुल्लू आरंग, पुरखौती मुक्तगंज, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहजे एवं दर्शाने का प्रयास किया गया है, चंद्रखुरी, कौशल्या माता मंदिर भारत का एकमात्र हटकेश्वर मंदिर रायपुर जो कि खारू नदी के तट पर बसा हुआ है या तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर फ्री में देने की मांग की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, COVID-19 वैक्सीन। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य को निशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर COVID-19 टीका देने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, इसलिए इसे प्राथमिकता से पहले चरण में शामिल करते हुए COVID-19 का निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति अविरल सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि COVID-19 महामारी से देश के भीतर लोगों में तनाव और भय की एक अभूतपूर्व स्थिति निर्मित हुई है। तो हमारे भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर मिन्नती और फरियाद की है कि हमारे छत्तीसगढ़ को COVID-19 की जो वैक्सीन है उसे निःशुल्क दिया जाए, इसलिए इसने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भूपेश बघेल ने लोक कला मार्ग का किया लोकार्पण किस जिले से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, दुर्ग जिले से संबंधित है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग में छत्तीसगढ़ लोक कला मार्ग का लोकार्पण किया। शहर में सिविल लाइन से दादा दादी नाना नानी पार्क के बीच सड़क को छत्तीसगढ़ लोक नृत्यों पंथी सुआ मोर राउत नाचा का छठा बिखेरती आकर्षण मूर्तियों से सजाया गया है। सड़क किनारे सुंदर लैंड स्केपिंग के बीच चाक चलाते कुम्हार और हल चलाते किसान की भी प्रतिमा लगाई गई है। सड़कों को नया रंग रूप देकर पैदल चलने वाले के लिए फुटपाथ भी बनाया गया है। लोगों को सेहतमंद बनाने और मानसिक शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए प्रेरित करने वाले सूर्य नमस्कार के विभिन्न आसनों को भी वहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिससे आप इमेज में देख सकते हैं ये किस जिले में कराया गया है लोकार्पण, तो हमारे दुर्ग जिले में कराया गया है। दुर्ग की बात आई है तो दुर्ग के बारे में दोस्तों मैं फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ,
तो आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। और इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडिया गढ़।